हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता एंड आई वेलकम यू बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज इन हिंदी फॉर बिगनर्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें स्विच का सिंटेक्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि स्विच बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उसका रियल टाइम यूज क्या है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स के बारे में बताया था, तो हमने नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर को कंप्लीट किया था। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है या पूरी सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, तो सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी डिस्कस करनी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है, इनको यूज कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि बेस्ड है स्विच पर। तो पहले देखते हैं स्विच बेसिकली क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो स्विच बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। तो इफ और एल्स में क्या था कि अपने पास में एक कंडीशन होती थी जो ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता था। जबकि स्विच में क्या होगा कि एक आपके पास में केस अवेलेबल होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू और एक्सप्रेशन के बेसिस पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिसमें से एक हमें चूज करना है। तो अगर फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी केसेस। ठीक है, देन स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू इम्प्लीमेंट मैन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने ATM मशीन विजिट किया होगा, तो ATM मशीन में जब अपन पिन नंबर एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आप क्या करते हो, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो हम स्विच के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी टच स्क्रीन तो अवेलेबल नहीं है, हम यूजर से इनपुट करवाएंगे चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया होगा, तो आपको कस्टमर केयर क्या बोलता है कि ये चॉइसेस अवेलेबल है। तो अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो 1 प्रेस करें, इंग्लिश में बात करनी है तो 2 प्रेस करें। तो उस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली हम स्विच के थ्रू अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जैसे ही ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होगा, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखोगे कि मैं आपको ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। देन स्विच इज बेटर देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ वी हैव मैनी चॉइसेस। तो अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, कोई एक सेलेक्ट करनी है, तो आप इफ एल्स को चूज करने के प्लेस पर स्विच को चूज कर सकते हैं। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको कस्टमर केयर का बताया, ATM मशीन के बारे में बताया, आप होस्टल और रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उसको भी स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल फोन के मेन्यूज के लिए भी हम ऑप्शन देते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और आपको ये एक सेलेक्ट करते हैं, तो वो सारी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। तो जहाँ टच स्क्रीन अवेलेबल है वहाँ पर टच स्क्रीन यूज करते हैं, जहाँ पर कीबोर्ड एंट्री अवेलेबल है वहां पर वो चीज आप यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, अब बात करते हैं सिंटेक्स। तो स्विच को इम्प्लीमेंट करने का रूल और उसका फॉर्मेट क्या होता है वो आपके सामने अवेलेबल है। तो स्विच बेसिकली एक कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड में आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको हमें एज इट इज यूज करना होता है। देन स्विच का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आप देख सकते हैं एक इंटीजर एक्सप्रेशन हमें यूज करना है। अब होता क्या है कि ये जो इंटीजर एक्सप्रेशन यहां पर हम लिखेंगे, वो इंटीजर एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट 2, कॉन्स्टेंट 3, कॉन्स्टेंट 4 एंड सो ऑन से मैच करने की कोशिश करेगा। तो अगर इंटीजर एक्सप्रेशन जिस भी कॉन्स्टेंट से मैच हो जाता है, वो पर्टिकुलर केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्विच यहां पर एक कीवर्ड है, केस यहां पर एक और कीवर्ड है। देन अगर सपोज इंटीजर एक्सप्रेशन केस कॉन्स्टेंट 1 से मैच हो जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद हमने लिखा हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हैं और लेट से आपका कॉन्स्टेंट 1 मैच हो गया, मतलब केस 1 आपका चल रहा है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपने आप केस 2 को भी चला देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही केस चले जो मैच हुआ है, तो आपको हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड यूज करना जरूरी है। तो ब्रेक भी एक कीवर्ड होता है। ठीक है, अगर केस कॉन्स्टेंट 2 मैच किया तो 2 रन हो जाएगा और उसके बाद वाले सारे केसेस, तो उस केस में केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा,
क्योंकि टू मैच हुआ और टू के बाद वाले सारे केसेस चलेंगे, बट अगर आपने ब्रेक यूज नहीं किया है तो ठीक है। एंड अगर कोई भी केस कॉन्स्टेंट मैच नहीं होता है तो फाइनली रन होगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड होता है। तो डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे होंगे वो कब रन होंगे, जब कोई भी केस कीवर्ड के साथ जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपने लिखी है वो मैच नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जो मैंने थियोरेटिकली आपको चीजें बोली वो यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड है। तो स्विच का सिंटेक्स कीवर्ड चार है, स्विच, केस, डिफॉल्ट एंड ब्रेक। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो सर्कल्स बने हुए हैं उसमें बताया कि ये चार कीवर्ड्स हैं। देन ऑलवेज यूज इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट विद केस कीवर्ड। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वन कॉन्स्टेंट टू आप यूज करेंगे या फिर जो ऊपर इंटीजर एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है इसमें या तो इंटीजर यूज कर सकते हैं या कैरेक्टर। कैरेक्टर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनली ASCII वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ASCII वैल्यूज क्या होती है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने इफ एल्स वाले प्रोग्राम बनाए थे, उससे पहले एक और वीडियो था जिसमें मैंने आपको ASCII वैल्यूज के बारे में बताया था। तो अगेन अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एक करके चीजें पता होंगी, बट अगर डायरेक्टली कोई वीडियो देखते हैं तो आप बेटर है कि पूरी सीरीज फॉलो करो। अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको ASCII वैल्यूज पता होगी तो आप समझ जाएंगे। तो कभी भी स्विच फ्लोट पर काम नहीं करेगा, तो आपको हमेशा इंटीजर या कैरेक्टर यूज करना है। देन ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर ब्रेक यूज किया है और कोई केस मैच हो जाता है तो वो ही चलेगा, ब्रेक यूज नहीं किया तो जो केस मैच होगा वो और उसके बाद वाले सारे केसेस चल जाएंगे जब तक कि अगला ब्रेक कीवर्ड नहीं मिलता। एंड डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इंटीजर एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस कॉन्स्टेंट। तो डिफॉल्ट कब चलेगा, जब कोई भी केस मैच नहीं होगा, ठीक है। एंड ब्रेक एंड डिफॉल्ट बोथ आर ऑप्शनल इन स्विच स्टेटमेंट, राइट। सो दोनों में से किसको यूज करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप वेट कर रहे होंगे कि कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इंप्लीमेंट करके बताइए। तो जो एग्जांपल मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो सिंपल कैलकुलेटर होगा एंड वो इन पांच में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो भी यूजर की चॉइस पर, ठीक है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे, यूजर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इंप्लीमेंट स्विच, अपन स्विच इंप्लीमेंट करेंगे और हेडर फाइल में इंक्लूड कर रहा हूं stdio.h। उसके बाद मेन, अब मेन फंक्शन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अब देखो एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी परफॉर्म करना है तो आपको दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेट से नंबर वन, नंबर टू, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आएगा तो res वेरिएबल बना दिया, ठीक है, और एक वेरिएबल बना दिया ch। तो उसमें आ जाएगी चॉइस ये हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब सबसे पहले एक प्रिंट एफ जिसमें डिस्प्ले करेंगे एंटर टू नंबर्स, ठीक है। देन स्कैन एफ, परसेंट डी। तो ये हमें दो बार लिखना है। तो यहां पर परसेंट डी दो बार लिखा एंड फर्स्ट वैल्यू N1 में चला जाएगा और सेकंड वैल्यू N2 में, ठीक है। तो इस तरीके से दो नंबर अपने पास अवेलेबल हो गए जिस पर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। अब हमें यूजर को वो मेन्यू शो करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे आप ATM मशीन यूज करते हैं तो आपको पहले ऑप्शन दिखाए जाते हैं तभी आप चूज कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा की आपको प्रेस करना है तभी आप वो नंबर प्रेस करते हो। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं। तो अभी आप प्रिंट एफ यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, ठीक है। अब आप प्रिंट एफ लिखोगे तो हमने लिखा वन फॉर एडिशन, देन अगेन प्रिंट एफ, इसमें हमने लिखा टू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आप चाहें तो एक ही प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन यूज करके ये सब लिख सकते हो या फिर आप अलग अलग प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो। तो थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन फोर फॉर डिविजन, एंड फाइव फॉर मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये पांच चॉइसेस हमने डिस्प्ले कराई।
अब choices डिस्प्ले कराने के बाद choice को रीड भी करना पड़ेगा, तो एक और प्रिंट एफ और उसमें लिखा एंटर योर चॉइस, और जो चॉइस हम रीड कराएंगे वो अब कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, सी एच वेरिएबल में। तो सी एच वेरिएबल में या तो वन आएगा या टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, या इनके अलावा भी कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं एंटर योर चॉइस बिटवीन वन टू फाइव, ठीक है। अब अपने पास में सब कुछ इनपुट आ चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्विच। तो आप लिखोगे स्विच सी एच, तो अब ये अपना इंटीजर एक्सप्रेशन है, मतलब सी एच में जो वैल्यू होगी उसके बेस पर हम केसेस इंप्लीमेंट करेंगे और मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा केस वन, तो ये है कांस्टेंट वैल्यू, तो ये जो वन है वो सी एच से मैच होने की कोशिश करेगा। तो अगर ये मैच हो जाता है तो हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो वो मैंने इस तरीके से लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू एन वन प्लस एन टू, तो एन वन एन टू एड होकर रिजल्ट में आ गए। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू परसेंट डी और आई एस, और फिर लिख दिया ब्रेक। तो अभी मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ, बाद में एक बार अपन जो प्रोग्राम रन करेंगे उसमें मैं ब्रेक को रिमूव करके ही बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है। अब अपन इस केस को कॉपी करते हैं और इसी को बार बार पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने पांच बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये केस वन था, अब इसको बनाते हैं केस टू, रिजल्ट में आ जाएगा माइनस, यहां पर लिख दिया बैक स्लैश एन और सब्ट्रैक्शन। देन केस थ्री, केस थ्री में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ सम के जगह लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। देन केस फोर हो जाएगा डिविजन, एंड केस फाइव फॉर मॉड्यूलस, ठीक है। अब उसके बाद लास्टली आप लिखोगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आप प्रिंट कर दीजिए यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अगर कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा कुछ भी एंटर करेगा तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना प्रोग्राम कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं, सॉरी मैंने डायरेक्टली रन कर दिया, तो पहले अपन इसको कंपाइल करेंगे फिर रन, तो ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। तो कंपाइल हुआ, रन हो गया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं थी, तो रन हुआ, तो यहाँ पे एंटर टू नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने एंटर किया 10 और मैंने एंटर किया 20, तो अब देखो ऑप्शन आ गए प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, तो आपको इनमें से कोई एक वैल्यू इनपुट करानी है। तो मैंने एंटर किया 1, तो देखो सम इक्वल्स टू 30 यहाँ पे शो। फिर से इसको रन कराते हैं, अब की बार मैंने एंटर किया 20 और 10 और मैंने एंटर किया 3, तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 200, तो अपना प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। इस बार मैंने एंटर किया 10, 20 और मैंने एंटर कर दिया चॉइस एज 7, तो आप देखो डिफॉल्ट रन हुआ और उसने शो किया यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्रेक की, ब्रेक हटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं ब्रेक सिर्फ केस वन से हटा रहा हूं और मैं केस वन को मैच करा दूंगा तो केस वन चलेगा, केस टू चलेगा, बट केस टू पर ब्रेक है तो वो चलने के बाद अपना जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करवा देगा। अगर आपने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया तो केस वन टू थ्री फोर फाइव सब कुछ चल जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने केस वन से ब्रेक हटाया, तो आप देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगे। तो मैंने पहली वैल्यू डाली 20, दूसरी वैल्यू डाली 10, ऑप्शन मैंने डाल दिया 1, तो देखो सम कैलकुलेट हुआ और सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद ब्रेक लगा हुआ है तो आगे केस 3, 4, 5 नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक को यूज कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, यूज करेंगे तो काम करेगा, नहीं यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब अगर अपन ये जो चॉइसेस है 1, 2, 3, 4, जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4 लिखें, अगर यहाँ 11, 12, 13, 14, 15 होता तो वो भी चलता, तो आपको यहाँ 11, 12, 13, 14 इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो ये भी वैलिड है। तो इसका मतलब है कॉन्स्टेंट वैल्यू में आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 ही एंटर करें। तो अब अगर अपन ने दो वैल्यूज डाली, चॉइस डाला 11, तो देखो सम और सब्ट्रैक्शन दोनों प्रिंट हो गए। सम और सब्ट्रैक्शन दोनों क्यों, क्योंकि अभी ब्रेक हमने हटा रखा, ब्रेक लगा देंगे तो फिर वो एक ही केस को रन करेगा।
ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज करें, तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए अपन इसको मॉडिफाई करते हैं। तो अब ये जो सी एच है उसको अपन बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो मैंने सेमीकोलन लगाया और यहाँ डाल दिया कैर सी एच, और ये जो ऑप्शन है इनके प्लेस पर अब अपन चेंज करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ये सारे प्रिंट एफ मैंने यहां से रिमूव किए। तो अब यहां पर देखो ये जो ऑप्शन है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं प्लीज एंटर एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर 5 होते हैं, तो उनको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। ठीक है, इन 5 में से कोई एक एंटर करना है और वो रीड हो जाएगा सी एच वेरिएबल में। तो अभी ये जो इनपुट है ये कैरेक्टर टाइप होगा, तो हमें यहाँ पर सी एच एज इट इज यूज करना है, बट इसको मॉडिफाई करेंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लस। तो अगर आपने प्लस एंटर किया है तो ये प्लस से मैच हो जाएगा, माइनस एंटर करेंगे तो माइनस से मैच होगा। तो अब देखो इस तरीके से अपन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को यूज कर पा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनली ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ASCII वैल्यूज क्या होती है, कैसे काम करती हैं, उसको समझने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो है लेक्चर नंबर 6, वो देख सकते हैं, उसमें आपको ASCII वैल्यूज के बारे में पता चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में आते हैं तो वो फॉलो करना है, देन डिफॉल्ट में लिख सकते हैं यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखो अब अपना जो इनपुट है, दो इनपुट तो इंटीजर टाइप के होंगे और एक इनपुट होगा कैरेक्टर टाइप का, और अब ये जो स्विच है वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के बेसिस पे काम करेगा। तो सेव किया, कंपाइल एंड रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, तो 10, 20। अब देखो इसने ये कैरेक्टर इनपुट नहीं करवाया। अब ये प्रॉब्लम होती है सी में, जब हम कैरेक्टर रीड करते हैं तो ये बेसिकली प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, टेम्परेरी टी इक्वल्स टू गेट कैर। अब इसको रन करके देखते हैं, 10, 20। अब देखो अब ये प्रॉपरली कैरेक्टर को रीड करेगा, तो मैंने टाइप किया प्लस और सम इक्वल्स टू 30 आया। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे काम कर रहे हैं, बट अब ये क्यों लिखा, क्योंकि हम जब दो नंबर इनपुट करते हैं, दो नंबर मैंने इनपुट किए 10, फिर एंटर प्रेस किया, फिर 20 इनपुट किया और फिर एंटर प्रेस किया, तो बेसिकली एंटर भी एक कैरेक्टर है। तो जब हम यहाँ पे कैरेक्टर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने एंटर को ही एक कैरेक्टर मान लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंटर को किसी दूसरे कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा ताकि हम इस कैरेक्टर को रीड कर पाए। तो जब भी आप सी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आपको फेस करनी पड़ सकती है कि जब आप इंटीजर के बाद कैरेक्टर को रीड कराएं तो उसको स्किप करने के लिए या बाईपास करने के लिए आपको एक टेम्परेरी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके एक फंक्शन होता है गेट कैर, उसको यूज करना पड़ेगा। तो वो एंटर की को रीड करके इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करा देगा, जिससे आप जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनको रीड कर पाओ। तो इस तरीके से हमने जो स्विच है उसको इंटीजर कॉन्स्टेंट एज वेल एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट दोनों के लिए यूज किया, और बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो आई होप कि आपको स्विच कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया होगा, और इस प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।